Hey guys, welcome back to the channel. कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बिल्कुल हैप्पी एंड हेल्दी होंगे. सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा न्यू हेयर केयर रूटीन के बारे में. मेरा न्यू हेयर केयर रूटीन फॉलो करने के बाद मेरा हेयर फॉल तो काफ़ी हद तक कम हो ही गया है, साथ ही साथ मेरा बाल और ज़्यादा सिल्की स्मूद एंड मैनेजेबल हुआ है एंड हेयर ग्रोथ भी हुआ है. एक्चुअली आजकल के ज़माने में हम लोग पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग DIYs करते रहे या फिर नया नया चीज़ें ट्राई करके टाइम वेस्ट करते रहे, तो इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरा न्यू हेयर केयर रूटीन का मेन पार्टनर पिलग्रिम का शैम्पू, पिलग्रिम का ही हेयर मास्क एंड पिलग्रिम का न्यूली लॉन्च्ड एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सेरम. सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ब्रांड के बारे में भी एंड प्रोडक्ट्स के बारे में भी, और कैसे इस सबको यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. सो गाइज, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आशा करते हो आप लोगों को अच्छा लगेगा. शैम्पूस ये है कोरियन सीक्रेट्स के साथ. ये टोटली सल्फेट फ्री शैम्पू है विद द गुडनेस ऑफ आर्गनॉल एंड वाइट लोटस. ये आपके स्कैल्प को एंड हेयर के जितने भी डर्ट होते हैं या फिर ऑयल होता है, ग्रीस होता है, सब कुछ बहुत ही सूदिंग तरीके से ये क्लीन करने में हेल्प करता है एंड साथ ही साथ आपका हेयर फॉल को भी कंट्रोल करता है. ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है, मैन वुमेन कोई भी इसको यूज़ कर सकता है. तो ये शैम्पू का फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा माइल्ड एंड सूदिंग है, एक लग्जूरियस फ्रेग्रेंस है ना. नेक्स्ट चीज़ है पिलग्रिम का हेयर मास्क. हेयर मास्क भी आर्गन ऑयल हेयर मास्क है विथ वाइट लोटस एंड कैमेलिया. और ये यूज़ करने के बाद गाइस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा हेयर सिल्की स्मूथ हुआ है ना. और ये यूज़ करने के बाद कोई भी कंडीशनर आप लोगों को यूज़ करने का ज़रूरत नहीं, हेयर बहुत सॉफ्ट एंड मैनेजेबल हो जाता है. एकदम सुपर इसका फ्रेग्रेंस है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई हेयर मास्क, ऐसा लग रहा है कि ये कोई परफ्यूम का स्मेल है. और बहुत ही सूदिंग एंड माइल्ड फ्रेग्रेंस है एंड साथ ही साथ ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है. ये अप्लाई करना बहुत सिंपल है, पहले शैम्पू करना है उसके बाद ही आपको इसको अप्लाई करना है. एक बार अच्छे से हेयर को वॉश कर लेना शैम्पू के बाद, देन एकदम रूट से लेकर टिप तक इसको अच्छे से अप्लाई करना है, जैसे हेयर मास्क अप्लाई करते हैं ना. 5 to 10 मिनट्स वेट करना, उसके बाद अच्छे से हेयर को वॉश कर लेना है. बस सिंपल इसी तरीके से इसको यूज करते हैं. पिलग्रिम के न्यूली लॉन्च्ड एडवांस्ड हेयर ग्रोथ सीरम विद ग्रीन टी के बारे में. ये सल्फेट फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, पैराबिन फ्री है, 20 हार्मफुल टॉक्सिक केमिकल फ्री भी है, क्रुएल्टी फ्री है एंड ये FDA अप्रूव्ड भी है. साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मेड इन इंडिया है. हेयर फॉल कम करने में हेल्प करता है, हेयर ग्रोथ और ज़्यादा स्टिमुलेट करता है एंड साथ ही साथ हेयर का थिकनेस एंड डेंसिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है. ये बिल्कुल भी ग्रीसी या फिर स्टिकी नहीं है, ये बहुत ही लाइट वेट एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला से बना हुआ है. सो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आपका हेयर बिल्कुल भी ऑयली या चिपचिपा नहीं लगेगा. ये ऑल हेयर टाइप्स के लिए सूटेबल है, नेचुरल प्लांट बेस्ड है, तो आपको एक हफ्ते या दो हफ्ते यूज़ करने के बाद पता नहीं चलेगा इसका कितना इफेक्टिव है. एटलीस्ट आपको 80 to 90 डेज के जितना यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसका एग्जैक्टली इफेक्ट दिखेगा. इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत सिंपल है, जस्ट हेयर को ऐसे पार्टीशन करके सीरम को रूट्स पे लगाना है और अच्छे से फिंगर टिप्स के हेल्प से इसको मसाज करना है. मसाज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड फुल हेयर लेंथ में भी लगाना है. आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी मेरा हेयर स्टिकी या ग्रीसी नहीं लग रहा है, एकदम नॉर्मल ही लग रहा है. ये ऑयल फ्री फॉर्मूला से बना है. गाइस, आप लोगों को अगर परचेस करना है तो यहाँ पे कूपन कोड आएगा. ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट भी मिलेगा एंड इन सब चीज़ों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहे तो चेक कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को मेरा न्यू अपडेटेड हेयर केयर रूटीन पसंद आया होगा एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या क्वेरी हो तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. सो गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. You said that you needed me.
Like a cargo.